Hey guys, welcome or welcome back to Sheetal's Great Story. आज है episode 4 of Cooking ABCs with Sheetal Agarwal. And इस episode में हम letter D से ढोकला बना रहे हैं. ढोकला जिसको आप खमन के नाम से भी जानते हो. तो ये रेसिपी मैं क्यों बना रही हूँ? क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मार्केट में काफी इंस्टेंट पैकेट मिलते हैं, पर उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो होता होगा. और प्रिजर्वेटिव के अलावा अगर किसी दिन आपके घर पे मेहमान आ जाए और वो आपके पास इंस्टेंट पैकेट ना हो तो क्या आप ढोकला नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे? डेफिनेटली बनाओगे. तो कैसे बनाओगे? मेरे इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आपने ये ढोकला बनाया तो आपका एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी ढोकला बनेगा. तो चलिए देखते हैं. तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स. ये है एक कटोरी बेसन, ये है एक कटोरी दही और पानी को मिक्स किया हुआ. आप इसकी जगह छाछ भी ले सकते हो विदाउट नमक वाला. ये है एक चम्मच ऑयल, नमक, चीनी, हल्दी और आप इधर बेकिंग सोडा या इनो आप कुछ भी यूज कर सकते हो. तो ये मैं ले रही हूँ एक कटोरी बेसन. अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो एक कटोरी दही और पानी का मिक्सचर था वो. अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल. इसको पहले मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा. अब ये देखिए थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है ताकि दही और बेसन घुल चुका है. अब इसमें हम नमक, चीनी, नमक, चीनी और हल्दी डाल देंगे. इनो लास्ट में डालेंगे एकदम. तो अब इसे ऐसे 5 to 7 minutes तक मिलाओ ताकि सब कुछ एकदम अच्छे से मिल जाए और उसमें कोई भी लम्स ना बचे. ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है. अब इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे. तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स ढोकला का जो हम पानी बनाएंगे उसका. ये है ऑयल एक बड़ा चम्मच, थोड़ी सी राई, 3 हरी मिर्ची, 1 चम्मच चीनी, 1 कप पानी और आधा नींबू. तो चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं. तो हम इस कढ़ाई को गैस पर रखते हैं, गैस चालू करते हैं एंड इसमें डाल देते हैं सबसे पहले ऑयल. अब ये ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाएगा, इसको हीट होने देते हैं थोड़ा अच्छे से. उसके बाद इसमें हम डालेंगे राई. तो ये तेल अच्छे से हीट हो गया है तो इसमें सबसे पहले डालते हैं राई. राई अच्छे से फूट लिए हैं. अब इसके बाद डालते हैं मिर्ची. मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो जाए फिर इसमें डालते हैं 1 ग्लास पानी. एक बड़ी चम्मच चीनी. और अब टाइम है आधा नींबू डालने का. तो बस अब इसे 5 मिनट तक थोड़ा सा पकने देंगे और फिर गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे. और अब मिर्ची के बाद पहले इसमें डलेगा कड़ी पत्ता. सॉरी मैं भूल गई थी तो थोड़ा लेट हो गया. तो ये रख दिया है हमने अपना ढोकले का स्टैंड गैस पे. अब इसमें डालते हैं पहले बेस के लिए पानी जिससे वो स्टीम आएगा. अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हीट हो जाए और थोड़ी सी स्टीम उसमें आ जाए. डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, एकदम थोड़ा सा, बस इसको ग्रीस करने के लिए ताकि ढोकला आपका बिल्कुल भी चिपके नहीं. तो ये हमारी प्लेट अच्छे से ग्रीस हो गई है. अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन का घोल जो आपने बनाया था. पर इसके पहले भूलना नहीं कि आपको इनो डालना है. तो ये रही हमारी उस टाइम की इनो. इनो डाल के पहले इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कहीं भी इनो का कोई दाना ना बचे.
और अब देखो कि इनो डालते ही ये फूलने लग गया है। जैसे कि आप देखोगे इनो प्रॉपरली मिक्स हो गया है इसमें, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे। अब हमारा जो था मेजरमेंट वो प्रॉपर एक प्लेट के हिसाब से ही था, हमारी प्लेट के हिसाब से। तो अब इस प्लेट को डालते हैं हम अपने ढोकला स्टैंड में। थोड़ा सा गर्म था ये, देखिए ये हमने डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं और 20 मिनट तक इसको ये अंदर रहेगा। ये है हमारा, ऐसा है हमारा ढोकला सर, इसके अंदर हमने डाल दिया है और 20 मिनट्स तक वो अंदर रहेगा। अभी हो तो ये बस हमारा ढोकला हो गया है, अभी से चेक करते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया ढोकला। अभी से हम टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें एक ये ऐसे डाल के, नहीं चिपका मतलब ये परफेक्ट है। मेरा ये एकदम स्पॉन्जी सा ढोकला रेडी है, पर इसको कट करें और इसको प्लेट से निकाले उसके पहले हम इसे ठंडा होने देंगे, नहीं तो वो अच्छे से कटेगा नहीं। तो तब तक हम गार्निश के लिए धनिया और नारियल को थोड़ा सा क्रश करके रख देंगे ताकि उसको अच्छे से हम गार्निश कर सकें। तो ये देखिए अब हमारा ढोकला कट करने का टाइम आ गया है। अब आप इसको इवन स्क्वायर या रेक्टेंगल में काट सकते हो। इस टाइम की हमने जो बनाया था तड़का हम वो डाल दें। और अब ये है रिव्यू टाइम, मम्मी खाइए। अच्छा है, कुछ कमी, परफेक्ट है, कमी है, परफेक्ट है। ढोकले के साथ मिर्ची खाने में तो बड़ा मजा आता है, मेरे को तो आता है, आपको पता नहीं, आप भी टेस्ट करके देखो, आपको भी जरूर आएगा। तो गाइस ये देखिए ये हमारा बढ़िया सा ढोकला रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये A to Z फूड सीरीज है तो पूरा A to Z तक आएंगे वीडियोस, तो सब्र रखिए।